नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत अक्सर ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। कभी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आती हैं तो कभी अपने विवादों को लेकर। कंगना रनौत अक्सर ही देश के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हुई नजर आती हैं और यही वजह है कि उनको उनके बेबाकी वाले अंदाज के लिए भी जाना जाता है और देश के तमाम मुद्दों पर वो किसी को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन इस बार कंगना रनौत अपने एक निजी मामले को लेकर सुर्खियों में आई हैं। दरअसल कंगना रनौत के स्वास्थ्य को लेकर एक बुरी खबर आई है। कंगना रनौत को कोरोना हो गया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है और इस बात की जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि वो कोरोना से लड़ रही हैं और उन्होंने खुद को घर में होम क्वारंटीन कर लिया है। ऐसे में आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कंगना रनौत से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातें, तो देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को किसी परिचय की जरूरत नहीं, कंगना ने अपना मुकाम खुद हासिल किया है। बॉलीवुड में अपने दम पर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कंगना एक छोटे से गांव से आती हैं, लेकिन इसके बीच उन्होंने अपने सपनों को कभी आने नहीं दिया। कंगना अपने बोल्ड किरदार, एक्टिंग स्किल्स और अपनी पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। तो एक नज़र डालते हैं उनके निजी सफर और कैसे किस्मत से लड़कर वो बनी क्वीन। कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पास स्थित सूरजपुर में हुआ। कंगना के पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं, जबकि मां आशा रनौत स्कूल में टीचर हैं। उनके दादा भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी थे। वो संयुक्त परिवार में रही हैं। कंगना की बड़ी बहन रंगोली पर एसिड अटैक भी हो चुका है, लेकिन आज वो अपनी बहन और परिवार के साथ अच्छी जिंदगी बिता रही हैं। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पैदा हुई थी तो उनके पेरेंट्स नाखुश थे। दरअसल जब उनकी बड़ी बहन का जन्म हुआ तो घर वाले बेहद खुश थे, लेकिन दूसरे बच्चे के तौर पर जब घर में लड़की हुई तब परिवार वाले नाखुश हो गए। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो 12वीं क्लास में ही फेल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने माता पिता से झगड़ा किया और वो दिल्ली आ गई। कंगना 16 साल की उम्र में दिल्ली पहुंची और फिर मॉडल बनी। कंगना ने कम उम्र में ही मॉडलिंग की राह अपनाई। दिल्ली में रहकर उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। कंगना ने दिल्ली में रहकर मशहूर थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। इंडिया हैबिटेट सेंटर का हिस्सा बनी और कई नाटकों में काम किया। उनका पहला प्ले गिरीश कर्नाड का रक्त कल्याण था। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्ट्रगल के दौर में उन्हें कई बार सिर्फ ब्रेड या रोटी अचार खाकर ही दिन गुजारने पड़े, क्योंकि उन्हें पिता से आर्थिक सहायता नहीं मिली। उनके पिता नहीं चाहते थे कि कंगना फिल्मों में काम करे। इसके बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। साल 2007 में कंगना की तीसरी फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो आई। इस फिल्म के बाद कंगना के घर वालों ने उनसे दोबारा बात करना शुरू कर दिया। 2005 में डायरेक्टर अनुराग बासु ने कंगना को एक कैफे में कॉफ़ी पीते हुए स्पॉट किया था और फिल्म का ऑफर दे दिया। कंगना ने 2006 की थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर के साथ अपने करियर की शुरुआत की। गैंगस्टर फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म की सक्सेस के बाद उन्हें बॉलीवुड में मीना कुमारी की तरह ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा था। कंगना जब बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी तो उस समय आदित्य पंचोली ने उन्हें सपोर्ट किया था। दोनों के बीच अफेयर होने की खबरें भी आईं। बाद में दोनों अलग हो गए और कंगना ने उन पर शराब के नशे में बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। कंगना बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्हें 22 साल की कम उम्र में नेशनल अवार्ड मिला। कंगना को यह अवार्ड फैशन के लिए मिला था। इसके अलावा भी उन्हें क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न के लिए भी अवार्ड मिल चुके हैं। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ भी कंगना की रिलेशनशिप ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अध्ययन ने उन पर मारपीट और काला जादू करने का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने एक दूसरे को ब्लैकमेल और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए थे। इस दौर में कंगना सबसे महंगी एक्ट्रेस के तौर पर देखी जाती हैं। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सफल होने के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। कंगना अपने दम पर फिल्मों को हिट करवाना जानती हैं। ऐसे में कंगना एक फिल्म के लिए करीब 11 करोड़ तक चार्ज करती हैं।
कंगना ने क्वीन की सक्सेस के बाद मनाली में 10 करोड़ की जमीन खरीदी थी। इसके बाद इस लग्जरी प्रॉपर्टी को तैयार करने में करीब 4 साल का वक्त लगा। बताया जा रहा है कि इस लेविश हाउस में 8 कमरे और टॉप क्लास रूफ डिज़ाइन किया गया है। इसकी कुल कीमत करीब 30 करोड़ तक है। वहीं कंगना के पास मुंबई के एक खास में भी 4 BHK अपार्टमेंट है। वहीं आपको बता दें कि आज ही कंगना रनौत के स्वास्थ्य को लेकर एक बुरी खबर आई है। दरअसल कंगना रनौत को कोरोना हो गया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया यानी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर अपने फैंस को ये जानकारी दी कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। हालांकि ये बात और है कि कंगना रनौत खुद को कह रही हैं कि वो इस वायरस से जल्द ही बाहर आ जाएंगी। बात करें कंगना रनौत की तो वो अपने विवादों को लेकर भी अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। कंगना रनौत अपने मोदी सरकार के विपक्षियों को लेकर अक्सर निशाना साधती रहती हैं और जिसको लेकर उन्हें कई बार ट्रोल भी किया जाता है। साथ ही कंगना अपने ट्रोल्स को भी मुंह तोड़ जवाब देती हैं। अब हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भी कंगना रनौत पर ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए उनके एक ट्वीट को लेकर उनका हमेशा के लिए ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। हालांकि इसके बाद कंगना रनौत को कू ऐप ने कहा था कि उनका ये घर है, वहाँ पर उनका स्वागत है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।